उल्टे लेट करके मकर आसन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, ये कवर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास। जरा गौर से सुनना, किसी किसी की हड्डियां कमजोर नहीं होते लेकिन उसके शरीर में एक विकारी तत्व बढ़ गया। क्या हुआ? यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड 5 के करीब होना चाहिए शरीर में, और वो 5 से ऊपर गया। ये चीजें बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में रहती हैं शरीर के अंदर। हर एक तत्व का एक महत्व है, वो एक मर्यादा में रहना चाहिए। जहां भी मर्यादा का अतिक्रमण होगा, चाहे वो शरीर के अंदर छोटे छोटे तत्वों की बात हो या आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में, जहां भी मर्यादा का अतिक्रमण हुआ, सोने में, जागने में, खाने में, पीने में, छोटी छोटी बातों में, नींद का अतिक्रमण में नहीं होना चाहिए, जागरण का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, खाने में अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, सड़कों पर अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, घर परिवारों में, राजनीति में, हर एक जीवन के पहलू की एक मर्यादा है। ऐसे शरीर में भी अलग अलग तत्वों की एक मर्यादा है। तुम कह रहे थे यूरिक एसिड बढ़ने से, आर इफेक्ट बढ़ने से, ईएसआर आदि के बढ़ने से, कई तरह के तत्व हैं, उनके चिकित्सकीय परीक्षण जब करते हैं तो पता लग जाता है ये चीज बढ़ी हुई है, उसको कम करने के लिए उपचार है, गिलोय है, एलोवेरा है, निर्गुंडी है, शिलाजीत है, हल्दी है, लहसुन है, ये जो अलग अलग बटियाँ देते हैं आपको, चंद्र प्रभाव टी देते हैं, कैशोर गुगुल, गोक्षरादि गुगुल, सिंहनाद गुगुल, आम मातारी रस, महावात, विध्वंसन, जतवात, चिंतामणि आदि अलग अलग जो औषधीय उपचार कराते, इनसे उनको नियंत्रित करते हैं, और मूल रूप से योग के द्वारा नियंत्रित करते हैं स्वयं को और शरीर को विकारी तत्वों से रहित बनाने के लिए। पंचकर्म षटकर्म का अभ्यास करते हैं बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। पूरी दुनिया इस बात को मानती है। भुजंगासन, मकर आसन के अभ्यास के, फिर भुजंगासन के 4 अभ्यास होते हैं। ये पहला अभ्यास है जिसमें कोहनिया ऐसे रिब केज से टच करती हुई नाभि तक उठाते हैं, ऊपर देखते हैं, ऊपर की ओर देखिए, थोड़ी देर रुकिए एक स्थिति में, जिनको कमर में दर्द होता है उनको धीरे धीरे करना होता है, दोनों हाथ थोड़ी के नीचे। एक अभ्यास को 2, 3, 5, 10, 15 बार तक कर सकते हैं। हमने देखा है, जैसे एक शब्द बोला जाता है हिंदी में कि भाई कमर का पूरा कबाड़ा हो गया, अब तो बहुत बुरी हालात में कमर पहुंच गई, उनको हमने ठीक किया है। आराम आराम से कमर में दर्द होने पर बहुत अधिक देर तक नहीं रुकवाते, उसमें तो 5-10 सेकंड में ही दर्द होने लगता है, फिर धीरे धीरे समय बढ़ता चला जाता है, अभ्यास बढ़ता चला जाता है। ऐसे ये 2 अभ्यास हुए। तीसरे अभ्यास में पैर पीछे खुले हुए, थोड़ी जमीन पर, दोनों हाथ छाती के पार्श्व भागों में, श्वास अंदर भरते हुए सामने से उठाएंगे और दाहिने कंधे से पीछे बाएं पैर की एड़ी को ऐसे देखें, कमर झुकी हुई, कंधे पीछे पूरे तले, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं, ऐसे बाएं ओर से कंधे के ऊपर से देखेंगे, उठाएंगे पहले सामने से, बाएं कंधे से पीछे दाहिने पैर की एड़ी को देख रहा अपन जी, पीछे तने, हाथ पैर, पेट, पीठ, पूरा शरीर सधा हुआ होता है और चेहरे पर सहजता। इसका भी आपको अभ्यास करना पड़ता है। नीचे आ जाइए। बहुत से लोगों का चेहरा बड़ा बदरूप सा होता है, कुरूप नहीं कह रहा हूं, वो अपने आप बिगाड़ लेते हैं। माने भगवान ने इतना अच्छा आपको चेहरा मोहरा दिया हुआ है, उसको ही बिगाड़ लेंगे।
माने सहजता नहीं रहते रखते, सहजता खो देते। सामने से उठाएंगे, ये चौथा अभ्यास। जिससे जितना बन पाए कर ले। ऐसा करते करते कमर दर्द वाले तो थक जाते हैं, तो दोनों हाथ के ऊपर हाथ, बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ, ऐसे हथेली पर हथेली, उस पर माथा ऐसे टिका देते हैं, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, और ऐसे लेट जाते हैं। ये विश्राम वाला मकरासन, उल्टे लेट करके तीन तरह से विश्राम किया जाता है। एक तो यह विश्राम आत्मक है, जैसे सीधे लेट के शवासन करते हैं, ऐसे उल्टे लेट करके ये मकरासन करते हैं तो इससे विश्राम मिलता है। पूरे शरीर को ऐसे रिलैक्स कर लेते हैं। फिर एक ऐसे बालासन होता है, ऐसे हाथ है ना, उस पर हाथ पर हाथ, उस पर ऐसे मुख ऐसे रख करते हैं, एक पैर को थोड़ा सा मोड़ लेते हैं, तो ये बालासन इसको कहते हैं, इसमें भी विश्राम करते हैं। और एक ही मकरासन है, इसमें भी विश्राम मिलता है और कमर भी अच्छी हो जाती है, घुटने भी अच्छे हो जाते हैं और फेफड़े भी अच्छे होते हैं, लंबे लंबे श्वास भर करके जब ऐसा करते हैं। तो मैं आपको कमर के लिए अभ्यास बता रहा था, उसमें भुजंग आसन के चार अभ्यास बताए, अब सर्वासन के चार अभ्यास करते हैं। दाहिने पैर को पीछे से उठाएंगे, घुटना सीधा, पंजा तना हुआ, थोड़ी जमीन पर, श्वास अंदर, ऐसे आराम से करवाते हैं। कमर दर्द होने पर जोर जबरदस्ती नहीं, कोई तेजी नहीं, 5-10 सेकेंड से धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए 15-20-30 सेकेंड का कालखंड बढ़ता जाएगा। एक एक अभ्यास को 5 बार 10 बार 15 बार तक करवाते। दाएं हाथ सामने, बाएं हाथ पीछे कमर के ऊपर, सामने से दाएं हाथ, पीछे से बाएं पैर उठता है तो ये पीछे वाला हाथ की हथेली ऊपर की ओर, पीछे वाला हाथ कमर के ऊपर, सामने वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर, दोनों पैर के पंजे तने हुए, घुटने सीधे, ऐसे क्रॉस करके आराम से उठाते, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, सहजता के साथ किया जाता है। जब बहुत तनाव में रहने के अभ्यस्त हो गए, तन पर भी तनाव होता है, तन के स्तर पर, बॉडी के स्तर पर स्ट्रेस होता है, फिर इंद्रियों के स्तर पर, मन के स्तर पर, विचार भाव संवेदनाओं के स्तर पर तनाव होता है, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में ये तनाव परिलक्षित होता है। तनाव से ग्रस्त व्यक्ति जब खाना खाता है तो ज्यादातर 99% लोग बहुत ज्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। कुछ 1-2% ऐसे भी लोग होते हैं, ये क्रॉस करके उठाए, जो स्ट्रेस होने पर खाते ही नहीं, दाएं से बाएं हाथ की कलाई को ऐसे पीछे पकड़ लेते हैं, सामने से उठाते हैं। स्ट्रेस आहार में, विचार में परिलक्षित हो जाता है। वो जब बोलता है तो पता लगता है कि ये व्यक्ति तनावग्रस्त है, कोई ना कोई इसको प्रॉब्लम है। वाणी के स्तर पर तनाव परिलक्षित हो जाता है, उसकी वाणी से माधुर्य और एक जो स्वाभाविक वाणी का ओज तेज है वो उसमें क्षीण हो जाता है। सामने से उठाया, अब दोनों तरफ से उठा लेते हैं ऐसे। ये चार अभ्यास हो गए सर्वासन के, दोनों पैरों से एक साथ नहीं उठाते हैं, अब दोनों पैरों को पीछे से मिलाते हैं। को बहुत सरलता पूर्वक, सहजता पूर्वक योगाभ्यास करवा रहे हैं कमर के लिए। मैं कह रहा था तनाव किसी भी स्तर पर ना रहे, इसके लिए हमें बार बार सजगता पूर्वक अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर, वाणी के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर। वाणी और व्यवहार के सर्वाधिक दोष होते और उसमें मुख्य कारण तनाव होता है। व्यक्ति सहज यदि रहे तो तनाव का प्रश्न ही नहीं, स्वभाव में तनाव परिलक्षित हो जाता है, वैसे ही जीने का हमारा अभ्यास हो जाता है और फिर हम एक हठधर्मिता में पहुंच जाते हैं। अब
सीधे लेट जाते हैं। कमर के लिए सबसे अच्छा आसन है और इसका नाम है मरकटासन। जिनको भी कमर में दर्द हो उनकी मदद करना, उनको ये सब अभ्यास बताना। दाईं तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, घुटने पर घुटना, एड़ी पंजे पर पंजा, दोनों हाथ कंधों के समानांतर थैले ऊपर की ओर, दाईं तरफ पैर तो बाईं तरफ गर्दन, ऐसे ये अभ्यास सबको बताया हुआ है। और ये बहुत महत्वपूर्ण अभ्यास है कमर के लिए। भुजंगासन और मरकटासन तो सबको करना ही चाहिए। घुटने से घुटना, पंजे से पंजे मिले हुए पास में, और एक एक अभ्यास को एक एक दो दो बार, तीन बार, पांच बार धीरे धीरे बढ़ा के मैंने 10-10, 15-15 बार करवाया। और जिनको कमर का ऑपरेशन बोल दिया गया था, ऑपरेशन में एक संभावना ये होती है दोनों घुटनों में पंजों में फासला, कि ऑपरेशन के बाद आपको पैरालिसिस भी हो सकता है जिंदगी भर के लिए, आप कि कमर बेकार भी हो सकती है। मैं ऑपरेशन का विरोधी नहीं हूँ। शल्य चिकित्सा का आविष्कार तो प्रथम महर्षि सुश्रुत ने ही किया है, इसलिए अति आवश्यक होने पर शल्य चिकित्सा की जाती है, लेकिन 99% उसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 99% कमर का ऑपरेशन, लीवर किडनी का, हार्ट का, आँखों का, कान का ऑपरेशन, इनसे आप बच सकते हो। और हमने ऐसे लाखों करोड़ों रोगों को बचाया है। पैर सीधे खोल लेंगे, दाहिने पैर को उठाएंगे, बाईं ओर लेकर के जाएंगे। मैं कहता हूँ 99% आप ऑपरेशन से बच सकते हो। देखो, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है शरीर की, वो बाधित होती है शल्य चिकित्सा के बाद। शरीर में मैंने कहा ना, हजारों लाखों करोड़ों नहीं, अरबों खरबों, मैंने उनको गिन नहीं सकते, मल्टी ट्रिलियंस, नॉट बिलियंस, मल्टी ट्रिलियंस सेल्स होते हैं हमारे शरीर में। और उसमें जब आदमी हाथ में चाकू छुरा लेकर के, चाहे कितने ही आधुनिक यंत्रों का आविष्कार कर लिया गया हो, लेकिन मनुष्य की समझ से परे है अभी शरीर की रचना। इसको काफ़ी हद तक समझने की कोशिश की गई है, उसमें सावधानियां बहुत रखते हैं, फिर भी हानि होने की संभावनाएं बनी रहती है, इसलिए अवॉइड करते हैं। और व्यक्ति स्वभाव से ही नहीं चाहता कि उसके शरीर के साथ कहीं छेड़छाड़ की जाए। ये मरकटासन का तीसरा अभ्यास। तो मैं कह रहा था एक कारण हड्डियों की कमजोरी, दूसरा मांसपेशियों की कमजोरी। मांसपेशियां भी जब कमजोर होती हैं तो दर्द होता है। रिलैक्स। चौथा, हमारा वात कारक आहार बढ़ने से स्वाभाविक रूप से वात प्रकोपित हो जाता है। इसलिए तीन तरह के आहार होते हैं जो हम लेते हैं, कुछ वात प्रधान होते हैं, कुछ पित्त, कुछ कफ प्रधान। इसलिए अपनी प्रकृति को देख करके आहार की व्यवस्था करना बहुत जरूरी रहता है। अब अगला अभ्यास, एक एक पैर को ऊपर उठाएंगे, नीचे लेकर के आएंगे। ये बहुत सरल होता है देखने में, जो स्वस्थ है उनको लगेगा ये तो कोई अभ्यास ही नहीं है, लेकिन कमर दर्द वालों के लिए पैर का उठाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे जब पैर उठाते हैं तो वो 30 डिग्री तक भी नहीं उठा पाते। ऐसे एक एक पैर को उठाइए, नीचे लेकर के आइए। ऐसे वो 30-60 धीरे धीरे फिर 90 डिग्री पर उठा पाते हैं। एक पाद उठाना ऐसे, फिर अर्ध पवन मुक्तासन, दोनों हाथ की उंगलियों को त्रिलोक कर लिया, घुटनों को दबाया, सिर नहीं उठाएंगे। ये लुम्बर पेन के लिए, सियाटिका के लिए, कमर के निचले वाले हिस्से के दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे दबा करके थोड़ी देर रखते। अब तो पूरे विश्व के बड़े बड़े वैज्ञानिक, जितने भी दुनिया की श्रेष्ठ प्रतिभाएं हैं, वो ये मानते हैं कि कमर के लिए, रीढ़ की हड्डी के लिए, स्पाइनल कोड के लिए योग से बेहतर कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया में रीढ़ की हड्डी के स्पेशल हॉस्पिटल बने हुए, अपने दिल्ली में भी बना हुआ है बहुत बड़ा, और हर हॉस्पिटल में स्पाइनल कोड की एक अलग फैकल्टी होती है। अलग फैकल्टी होती है क्योंकि
ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा शरीर की हड्डी हमारे शरीर का। अब पैर मुड़े हुए और बीच से उठा देंगे उसको कंधरासन या सेतु बंधासन कर देंगे कमर के लिए अच्छा आराम आराम से जितना हो पाएगा। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में एक विशेष संकाय होता है, हृदय के लिए अलग, लीवर के लिए अलग, किडनी के लिए अलग, पेट के लिए फिर अलग से पूरा। गैस्ट्रोलॉजी है, अलग डिपार्टमेंट होता है। फेफड़ों के लिए, रेस्पिरेटरी के लिए अलग, हड्डियों के सामान्य उपचार के लिए अलग, और रीढ़ की हड्डी का उपचार, क्योंकि यदि थोड़ी सी चूक हो जाए तो व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, और यदि कोई गृहस्थ को ऑपरेशन कर दिया जाए तो फिर वो कई बार वो फिर आगे संतान भी नहीं पैदा कर सकता, और यदि ऊपर वाले हिस्से में कोई ऑपरेशन कर रहे हैं ठीक से ना किया जाए तो फिर मेमोरी लॉस भी हो जाती है, बहुत बहुत नाजुक होता है। अब पैर मुड़े हुए हैं, अब कमर को ऊपर उठाते हैं और नीचे दबाते हैं। जब ऊपर उठाते हैं तब कुल्लों से लेकर के और सिर तक, नितंब से लेकर के और सिर तक पूरा मेरुदंड ऊपर उठ जाता है, कोहनियों पर थोड़ा भार आता है, ऊपर की ओर पूरी कमर को दबा देते हैं, एक सेतु जैसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। मेरुदंड से रीढ़ की हड्डी पुल की तरह ऐसे ऊपर उठ जाती है घुमावदार स्थिति में, और फिर नीचे दबाते हैं तो पूरी तरह से रीढ़ की हड्डी भूमि से स्पर्श करती हुई होती है। ये आपको कमर दर्द के लिए विशेष अभ्यास बताएं।